जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303 इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर तनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4-4 लोकसभा, 6-6 विधानसभा उपचुनाव। तो उसके बाद तो सरकार का भी दावा आपके मिला? निश्चित तौर पर उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं वो और है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उसका भविष्य को बहुत। सर कांग्रेस एग्जिट पोल का वो बायकॉट कर दिए कि हम इसमें शामिल नहीं हैं? ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है। वो अभी भी कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं, वो इस चुनाव में जनता को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं, भविष्य की रणनीति थी नहीं, तो करें तो क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप चाहे 1 तारीख को इकट्ठे होकर जितनी मर्जी विपक्ष रणनीति बना ले, रणनीति इसके आसपास बनेगी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है और इसके बाद क्या क्या बहाने लेकर सबने अलग अलग हो जाना है। और 5 साल के लिए अब ये लोग जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं कि अगला चुनाव 5 साल बाद कैसे लड़ना। प्रधानमंत्री भी ध्यान लगा रहे हैं लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल वो ध्यान लगा रहे हैं। देखिए जब आएंगे प्रधानमंत्री तो और ऊर्जा के साथ और ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया, हमारा देश बहुत आगे जाने के लिए दुनिया के मुद्दों पर खरा उतरने के लिए तैयार है और ये विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। मैं एक बार जरूर कहूंगा, आज नए भारत की बुलंद तस्वीर जो दुनिया देख रही है उससे और उम्मीदें लोगों में जाग रही है और इस उम्मीदों को अब अवसर है नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, हमने तो चुनावों से पहले भी अगले 5 साल में क्या करना है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पहले 100 दिन में क्या करने वाले हैं वो भी तय है, और 25 वर्ष का रोड मैप कि विकसित भारत का क्या हो, हम उस दिशा में चुनाव से पहले तैयारी कर रहे थे। जब बाकी लोग अपनी रणनीति चुनाव के लिए नहीं बना पा रहे थे, हम वापस सत्ता में आके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़े वो काम भी किया है। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को 400 पार होगा फिर एक बार। क्या कुछ अपील करेंगे? मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि मतदान का बहुत महत्व है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, वोट डालें, अवश्य डालें। देश के लिए एक ऐसी सरकार जो स्थायी हो, जो प्रगतिशील हो, जो एकता अखंडता को सुनिश्चित कर सके, जो विकसित भारत को निर्मित कर सके, ऐसी सरकार के लिए वोट दें। घरों से निकलें, खुलकर वोट दें, मतदान का इस्तेमाल करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।